हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन व्यू में। आज हम बात करने वाले हैं कैरोटीन सिरप सी टेबलेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने कैरोटीन सी टेबलेट है। तो अगर आप टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी यूज के बारे में। तो इस टेबलेट का जो मुख्यतः उपयोग हो जाए खून को रोकने में किया जाता है। जैसे आपको बवासीर के कारण खून आने लगा है, या नाक से खून आता है, या कहीं घाव हो गया वहाँ से खून आता है, या महिलाओं में जो पीरियड्स के दौरान खून आता है और वो बंद नहीं होता है, तो उन कंडीशन में इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे इस टेबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो ये टेबलेट में जो हीमोस्टैटिक टेबलेट होती है और इसमें कई प्रकार के कॉन्टेंट दिए होते हैं, जैसे विटामिन पी 100 mg दिया होता है, विटामिन सी 50 mg दिया होता है, मिकोडेन सोडियम जिसे हम विटामिन K3 कहते हैं 20 mg दिया होता है, विटामिन D3 दिया होता है। और इसे जो है मरकरी लेबोरेटरीज बनाती है और इसे मैं 45 rupees में किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। इसके बाद 45 rupees में किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। तो अब बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट। तो इसके साइड इफेक्ट जो हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट जो है त्वचा का गर्म होना, त्वचा का लाल होना, पेट खराब होना, सिर दर्द होना, उल्टी की समस्याएँ जैसी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे ही अगर कोई समस्या दिखती है तो अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी डोज के बारे में। तो अगर आप एडल्ट हैं तो आप इसकी की गोली सुबह शाम ले सकते हैं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ये टेबलेट ना ही दें। इसकी डोज के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके किसी भी आस पड़ोस में किसी को खून बहने की समस्या है, बवासीर का खून बहना या पीरियड्स का खून बहना बंद नहीं होने की समस्या है, तो आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा कैरोटीन सी टेबलेट का रिव्यू। और अगर आप ऐसी मेडिसिन से जुड़ी वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना।